इम्पोर्टेंट वीडियो की फ्री में अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, मैं जिसका नाम है गेट टूर पैकेज, मेरा नाम करण है, आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो है वो है गोवा के होटल के बारे में। तो गोवा के होटल्स के बारे में बात करें फ्रेंड्स, गोवा एक बहुत ही अच्छा टूरिज्म प्लेस है भैया। वहाँ पे इंडिया के लगभग सारे लोग जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं वहाँ पे। ऐसा लगता है कि हम विदेश में आ गए हैं, कि बीचेस हैं और खाने पीने के लिए बहुत सारा आइटम है, पीने के लिए बहुत सारा आइटम है ना, क्योंकि खाने पीने का आइटम जो वहाँ पे सस्ते हैं। आप सी फूड, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप सी फूड का मजा ले सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज क्लब है, बाइकिंग के लिए है और आप रेसिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो बात ये आती है आपके बजट की, आपके बजट की बात करूंगा मैं और कुछ नहीं करूंगा। आपके बजट की बात करूंगा तो आप सबसे पहले जाते हैं तो आपको रुकने के लिए, रिलैक्स होने के लिए एक जगह चाहिए जो है होटल्स में मिलने वाली है आपको एक जगह। तो होटल्स की बात कर लें फ्रेंड्स, तो होटल्स वहां पे भैया आपको 50,000 तक भी होटल पर नाइट हिसाब से मिलेंगे, इतने महंगे होटल हैं। तो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के होटल लेना चाहते हैं। और ये बात मैं बता दूं, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आप सबसे पहले होटल पे देखिए कि वहाँ का होटल किस तरीके से, कितने बजट में। अगर ऑफलाइन लेंगे तो मैं बता दूं आपको जैसे ऑफलाइन आप जाके वहाँ पे बुक करेंगे होटल, तो मुश्किल है आपको जो प्राइस मैं बताने वाला हूँ वैरी नहीं करेगा। और बाकी अगर ऑनलाइन बुक करेंगे तो आपको प्राइस वेरी करेगा, अप्रॉक्स उसी के आसपास आपको वो होटल मिलने वाला है, एग्जैक्ट उसी पे मिलने वाला है, या उससे थोड़ा बहुत या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो होटल की बात करूँ तो अगर आप एक बजट में जा रहे हैं, बजट लाइक आप सोचते हैं कि ज़्यादा होटल पर नहीं खर्च करना, हमें ज़्यादा घूमने खाने पीने और वहाँ के नज़ारों पे खर्च करना है, वहाँ पे ज़्यादा घूमना है, ज़्यादा अच्छे से ट्रेवल करना, ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करना है, तो उस चीज़ पे ध्यान देना है आपको। तो मैं कहूँगा होटल पे ज़्यादा ध्यान ना देके आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। होटल पे आप एक सस्ते बजट में आप होटल बुक कर सकते हैं जो मैं प्राइस बताने वाला हूँ। तो प्राइस ये है फ्रेंड्स कि अगर आप सबसे चीपेस्ट होटल बुक करना चाहते हैं वो आपको 480-420 या इससे भी थोड़ा कम पड़ सकता है या ज़्यादा पड़ सकता है। आप अगर होटल चेक करेंगे तमाम साइटों पे, ऐप में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको 420, 480, 450 ऐसे से होटल आपको स्टार्टिंग है, और जो आपको 700-800 में एक अच्छा खासा होटल मिल जाने वाला है पर नाइट हिसाब से। तो अगर आपका भी बजट बन रहा है गोवा जाने के लिए, है ना, वास्तव में अगर मैं चाहता हूँ तो मैं कभी रहने पे उतना नहीं खर्च करता जितना वहाँ पे ट्रेवल करने पे खर्च करता हूँ। क्योंकि वहाँ पे भाई गोवा जाने का मतलब है कि आप बढ़िया से ट्रेवल करो, खो बीचों से घूमो, खाओ पियो, मजे उड़ाओ, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप बजट होटल बुक कीजिए, ज़्यादा आलीशान होटल बुक कर सकते हैं, आपके बजट के ऊपर है। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा यार आप लोगों से, आप लोग समझदार है। तो बस इतना सा था ये वीडियो, छोटा सा, और वो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और देखते रहिए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।